मामला सामने आया। परसों रात में हमारे सरकारी मोबाइल पर एक सूचना दी गई कि पिंकी देवी बोल रही हूँ और मेरी हत्या के जिम्मेदार उसके पति और बेटा होंगे। इस तरह की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस ने इसमें छानबीन करनी शुरू करी और इसमें कल जो महिला की लाश मिली थी परसों रात में, उसमें अग्रतन अनुसंधान करते हुए महिला की दो सौतेली बेटियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने पूछताछ में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली है। पारिवारिक विवाद की वजह से अपनी ही सौतेली माँ की ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई और पुलिस को भ्रमित करने के लिए पुलिस अधीक्षक के मोबाइल पर उन्होंने सूचना दी कि मेरी हत्या के जिम्मेदार पति और बेटा हूँ। तो इस तरह की बातें सामने आई है, जिसका वैज्ञानिक तरीके से पुष्टि भी किया गया है और उन दोनों लड़कियों ने जो है कन्फेस कर लिया, उनकी निशानदेही के आधार पर जो हत्या में प्रयुक्त हथियार है और भी चीजें जमा कर ली गई है और इसमें अधिकतर कार्रवाई की जा रही है। घटना का कारण क्या बताया, किस वजह से वो माँ की हत्या करने के लिए? घटना का कारण पारिवारिक विवाद है, सौतेली माँ है और उसके पिता है और इन दोनों की वजह से जो है हमेशा क्लेश होता रहता था घर में, जिसको लेकर तंग आकर दोनों बच्चियों ने इस तरह की घटना कारित करने की बात स्वीकार। बच्चे की उम्र कितनी है, नाबालिग है या बालिग है? एक बालिग है, एक नाबालिग। तो दोनों को क्या मतलब, दोनों को विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, एक को फॉरवर्ड किया जाएगा, दूसरे को जेजेबी के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा। रिविलगंज में भी एक मामला सामने आया। रिविलगंज में चाकू मारकर एक लेडीज की हत्या करने की बात सामने आई है और एक घायल है, जिसमें कि तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हमारी एसआईटी टीम छानबीन कर रही है। इसमें जो है अपने ही मौसा पर उन्होंने आरोप लगाया है, जिसकी पहचान कर ली गई है और इसमें अग्रतर कार्रवाई करके हम लोग बहुत जल्दी आरोपी को, यानी जो मृतिका है उसके पति, हाँ मृतिका पति उपस्थित मौजूद थे कल। ये छानबीन का विषय है, इसमें एसआईटी की टीम लगी हुई है, बहुत जल्दी इस मामले को भी हम लोग खुलासा कर लेंगे।